Yes, here we go. तो जब तक पुराने कमेंट्स को शामिल कर लेते हैं, ठीक है ना? और जो लई क्या नई लाइव स्ट्रीमिंग है ना, वो आ गई है। अच्छा जी, मलिक राशिद कहते हैं, वजह ये है कि मैं एक आर्मी पर्सन हूँ, घर में और दोस्तों में और यूनिट में, कोर में और आर फेस। ओके, ठीक है। अभी तो कहते हैं बच्चों, कभी अभी बहुत से लोग हैं आपकी बैठक में जिनसे मैंने कुछ खाया ही नहीं है। कनीज के अब्बू, शहजाद रजा साहब, अनवर जावेद भट्टी साहब, ऑयल वाले और अजीज अंकल, बस कर दें। मतलब आपने तो भाई सब सबके लिए जो है ना, मतलब रखा हुआ है कुछ ना कुछ, के आप उनसे कुछ ना कुछ खाएंगे, ट्रीट लेंगे बिला वजह में। मतलब बिला वजह में जुबैर खान कहते हैं, वालेकुम असलम, चलिए जी, बहुत शुक्रिया। साथ साथ काशवरी मलिक कहते हैं, कभी क्यों आपको नहीं पता सब बहनों के एक भाई फराज, भाई फराज भाई, हाँ हमें तो पता है। वैसे ये बात सही कह रहे हैं आप, ये बात आपने सच कही, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ। अच्छा जी, साथ साथ फराज कहते हैं, हद हो गई, अब जो भी ना आपको मिस करते हैं ना, खुद ही जाओ बताओ जाके, मुझे कुछ नहीं पता करो। आप फिर कहते हैं कि नहीं, आप चिश्ती कहते हैं, हमारी तो कोई औकात नहीं है सैयद के सामने। नहीं तो, नहीं नहीं ऐसी बात ना करें। चलें जी, देखते हैं कि कौन है हमारे साथ लाइन में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं शाजिया बात कर रही हूँ। शाजिया, ये कौन सी वाली शाजिया? दूसरी शाजिया लग रही है। जी, मैं फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हूँ आपको। ओके शाजिया, कैसी हैं आप जी शाजिया? शाजिया नंबर जी वन, नहीं नंबर टू, सॉरी। मैं काफी अरसे से ना आपको सुन रही हूँ, ओके ठीक तो है, मैंने कहा चलो लड़कियों का दिन है, कॉल कर लो। क्या बात है, जबरदस्त हो गया। तो क्या करती हैं शाजिया? घर पे होती हूँ। घर पे होती हैं, ठीक हो गया। जी, और क्या नाम है, मैं जब आपको शुरू शुरू में शो में सुनती थी ना, हाँ तो मैं कहती थी पता नहीं है क्या, जो स्टार की बात बताते हो ना, हाँ मैं ऐवे ही कर रही है बस। एम ही कर रही है, बस एम ही। हाँ, तो हम इतनी अच्छी लगती है ना बस, और अब हाय तो बस आप ही आप है। आप यहाँ पे बस है हाँ, ना। और हाउ कोई भी स्वीट। नहीं, अब हमारी फैमिली में हालांकि कोई भी नहीं सुनता, अच्छा तो अब मैं सबको बताती, मेरी कजने के फलाने, मैंने उसे कहा मुझे दिखाओ ना, हाँ, तो उसके घर गई, मेरे पास बड़ा मोबाइल था ना, अच्छा मैंने कहा मुझे इसकी दिखाओ ना, मैं हाँ कहा जैसे मैंने ख्यालों में रखा है ना, वो बहुत फराना प्यारी है, इससे भी प्यारी है। अच्छा हाउ हाँ, तो आपकी स्वीट। ऐसी भी बहुत प्यारी है। हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो एक आंटी है ना जो आपके नंबर में कॉल करती है ना, तो कभी कभार वैसे ऐसे हम ऐसे सुनती हूँ बस, आपका और हमारा आपकी का, तो अच्छा जबरदस्त हो गया। जब मैं कभी कभार उसका ऐसे दूसरा चैनल लगाते हैं, तो आंटी ना कॉल कर रही होती है, अच्छा तो आपको बहुत कहती रहती है ना कि आपके अलावा मैं किसी का नहीं सुनती, आप हाँ बहुत अच्छी है। मैंने कहा ऐसे लोग भी होते हैं, देखो हाँ अच्छा नहीं अच्छा लगता वैसे, फिर कोई नहीं, खैर भी हाँ, है। मैंने कहा ऐसा नहीं कहना चाहिए। हाँ सही है, खैर है, कोई नहीं, हाँ, वो तो हर किसी की अपनी है। बिल्कुल, और क्या, सही है, हाँ, ठीक है। बाकी आपकी आवाज बहुत अच्छी है, बहुत बहुत शुक्रिया, प्यारी है, जजाकल्ला ये अल्लाह की जजाकल्ला, नेमत है भाई। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है हाँ, मेरा। आपको और शुक्र अदा करना चाहिए इस हाँ बात जी का। बिल्कुल, हम तो हर दम शुक्र अदा करते हैं उस जात का। हाँ, आपकी बहुत आवाज, इतनी मैं फैन हूँ ना बस, मैं नहीं सुनती बहुत कभी भी, मैंने सुना जिंदगी में, शुक्रिया, जजाकल्ला जब से जजाकल्ला। सुना है तो बस हर हो क्या एफएम ही होता है। आए क्या बात है भाई, ये तो जबरदस्त हो हाँ गया, चलें जबरदस्त, बहुत हाँ शुक्रिया, थैंक यू। आपका भी बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा जी खुश रखे। थैंक यू सो मच जी फॉर जी कॉलिंग, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया अल्लाह हाफिज, शुक्रिया, अल्लाह अल्लाह हाफिज। ओके क्या बात है, आप लोग इतनी सारी मोहब्बत है, जब मेरे ऊपर निछावर कर देना, मतलब बस बस, फिर उसके बाद जो है ना, है इमोशनल हो जाती हूँ मैं। आप लोग ना बहुत स्वीट हैं, सच में लड़कियां सारी ना बहुत स्वीट होती हैं। चलें देखते हैं कौन है वाट्स लाइन पर। सलाम वालेकुम। अल्लाह वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आमना, कैसी हो? का शुक्र, आप सुनाए कैसे? कौन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। सुनने वाले का? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। हाँ तो लड़की क्या बोलिए क्या कहोगी, कहते हैं, आपके जो लाइव स्क्रीन है वो नहीं आ रही, मैसेज में शो हो रहा अब है, आ ठीक गई दूसरी, आ गई ना। है, दूसरी और मैंने। तालीम की आवाज, तालीम तो, तालीम के हवाले से जहाँ पे आप बात कर रही हैं, तो तालीम तो बहुत जरूरी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, और जो बिल्कुल अक्सर मैंने माशरे में ऐसे देखे हैं, शायद अपने ही भी हैं, ऐसे कहते हैं लड़की पे पढ़ लिख के करेगी क्या, पहले तो सवाल ये उठता है, तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए क्या करेगी, पढ़ी लिखी लड़की ना सिर्फ माशरे को तब्दील कर सकती है, और भी बहुत से अपने ऐसे हैं, उसे मैं समझ भी नहीं आता, मतलब क्या बोलूंगा इन लोगों को। सही सही और बहुत से उस्ताद भी मैंने ऐसे देखे हैं जो पढ़ाए सिर्फ कारोबार कर रहे हैं, पढ़ाने वाले का कुछ है ही नहीं, बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है,
ऐसे ही है। बिल्कुल, जब बात आती है ना, कहते हैं कि भाई इनकी तरबियत उंगली उठाई जाती है कि भाई ये बच्चा ऐसे ही नहीं पढ़ रहा, तो आप किस क्या गाइड कर रहे हैं, आप लोग क्या पढ़ा क्या रहे हैं, पहले तो सही ये देखना चाहिए। सही। ये लोग सिर्फ अपने फीस बनाने के चक्कर में ना लड़कों का जो फ्यूचर होता है बच्चों का वो मतलब खराब हो जाता है। सही, ठीक हो गया। बहुत से मेरे अपने ऐसे उस्ताद हैं जो मैं बता नहीं सकी, नाम नहीं मेरी, शायद वो सुन भी रहे हो, तो उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है, मैं पढ़ाने पैसों से मतलब है। वाला बिल्कुल मतलब वो बिजनेस बना लिया ना। एक बिजनेस बना लेना। फिर बात आती है हमारे सर्जी से भाई, इन्हें क्या बच्चे को शौक है पढ़ने का, कुछ बनना आगे करना, लेकिन आप भी तो देखें आप क्या पढ़ा क्या रहे हैं। सही, ठीक हो गया, बिल्कुल सही कह रही है, सही हो गया। और बस आज वो टॉपिक रख दिया तो बस मतलब दिमाग घूम गया मेरा, जब ये बात आती है ना कि लड़के की हाँ, तारीफ, जब तो ये बात बताओ आती तुम है ना फजूल काम कौन से करती हो, ये बताओ, चलो ये बताओ फजूल काम कौन से करती हो, ये तो बता दो। फजूल फजूल काम तो कुछ नहीं होता, सारे काम के मतलब काम कोई नहीं फजूल तो कुछ करती नहीं होता। सच्ची में। चलो जबरदस्त हाँ हो ना, गया, सारा दिन बिजी होते हैं, मतलब काम में, काम कभी में पढ़ाई में या काम में बिजी होते हैं, फजूल काम नहीं जबरदस्त हो होता। गया, हाँ अच्छी बात है। मोबाइल 2 घंटे फजूल ही जो आपको ना वैसे काम करते हो। करो, मेरे शो में फजूल इस्तेमाल होता ही है, इतना तो नहीं तुम नहीं डायलॉग लोग मारती हो। कहते हैं ना, अरे भाई लोग कहते हैं अच्छा ना, अच्छा हाँ फिर सही है। लोग कहते हैं हाँ मेरा ठीक है, लोग ये फजूल है। ये फजूल है, लोगों को कहने मेरे लिए दो, नहीं है, लोगों का तो मेरे काम लिए ही नहीं है, कहना है, लोगों को कहने दो तो बस कहने दो, मैंने भी एक और खुद क्या। कान से सुन के दूसरे से निकाल सही दी। हो गया भाई, सही हो गया। सही हो और गया। और कहते हैं बेहतरीन इंसान ना अमल से पहचाना जाता है, अच्छी बातें तो दीवारों पे भी लिखी होती जो हैं। बात है, जो बात है। बिल्कुल, अक्सर क्या बताऊं, और मैं तालीम पे बात आ गई है ना तो मेरा तो दिमाग घूमता है बस। दिमाग नहीं घुमाओ, हाँ अच्छे ज्यादातर, अच्छे काम करो बस। ना लड़कियों की तालीम पर जो ये अक्सर जो करते हैं ना कि पढ़ लिख के करेगी क्या, तो ये ये बस असल में बहुत जो माइंड बिल्डअप किया हुआ है ना, ये सारी बात ये पॉजिटिव है। ना सोचे ना तो बहुत कुछ कर सकती हैं लड़कियां, सही हो गया, लेकिन ये जो अक्सर जो लोग होते हैं ना तो बस इनका क्या करें, नेक डायट दे लाइन सबको, आमीन। चलो जबरदस्त हो गया, चलो आमना जबरदस्त हो गया, दुआ में याद रखिएगा। जरूर है, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी मम्मी को पूछिएगा, मेरी तरफ से सलाम भी कहिएगा, ठीक है। अल्लाह ताला बहुत खुश रखे आप लोगों को। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके, क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, कुछ कमेंट्स जो रह गए थे उसको शामिल कर लेते हैं यहाँ से। अच्छा जी, हाँ तो मैंने कहाँ तक छोड़े थे कमेंट्स, जुबैर खान बहुत शुक्र, थैंक यू सो मच। जैन कहते हैं फरहाना बाजी, शबाना कहती हैं कि एक सॉन्ग लगा दें तुम्हारे, हाँ तुम्हारे हैं कहो एक दिन, कल तो प्ले किया था। और अख्तर रमजान कहते हैं कि फरहाना अभी फरहान सिंह का कोई सॉन्ग सुनाए, फरहान सिंह का कौन सा सॉन्ग सुनाए, और यार फरहान सिंह का कौन सा गाना, कोई कोई अच्छा गाना बताएं फरहान सिंह का, तो मैं चला देती हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और ओके, सो ये जो स्ट्रीमिंग जो ब्लॉक हुई है ना, ये पता क्यों हुई है, ये जो मैंने हमरा प्ले किया था ना, इस वजह से हुई है, ये बात है सारी, और कोई बात नहीं। ये जो आसिम अजहर का हमने प्ले किया है ना, इस वजह से स्ट्रीमिंग ब्लॉक हो गई थी। खैर, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और फरहान सईद का सॉन्ग हम देखते हैं कि कौन सा प्ले करेंगे, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल हम क्या करते हैं, ओके कमेंट्स को शामिल करते हैं। सनी साजिदी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आज सईद फरहान अली, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्र कहते हैं, गुड मॉर्निंग सब सुनने वालों को, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसी हैं आप, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे फरहाना, आप भी नहीं करती, फराज भाई ना खुद ऐसी बातें करते हैं कि अपनी हैप्पी बर्थडे करवाते हैं। मालिक राशिद कहते हैं इमरान राजपूत की वाइफ के लिए बहुत सारी दुआ चले, जजाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मौसम कहते हैं कि मैम आपकी कराची से आगे हमारा वफाक न्यू दिल्ली निकल चुका है, कल एक मंत्री ने मंत्री से उसका मोबाइल जो है वो छीन कर भागने में कामयाब रहे। अच्छा, ओ माय गॉड, मंत्री भी महफूज नहीं है। भाई भाई आपकी फैमिली और खास बलूचिस्तान वालों के नाम कनायारी प्ले हो जाए तो वो हिजाब वाली गर्ल के साथ ना आप भी गुनगुनाएं, मजा आएगा। जाती है ना वो बलोची में, कैसे गुनगुनाऊं, लिरिक्स ही नहीं पता मुझे। आप बे चिश्ती कहते हैं कि अल्लाह पाक का सादात का अदब करने की तौफीक अदा फरमाए, आमीन सुभान, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्र। कामरान कहते हैं कि रफ्ता रफ्ता प्ले कर दो, हाँ लगाते हैं। रूसा कहती है अभी सुनने से तो लगता है कि टेक केयर ऑफ कह रहा है, लेकिन टाइटल कुछ और है। हाँ ठीक है, टेक खोए रहे ऐसी कुछ रहे, टेक खोए रहे है, टेक खोए रहे, मतलब कि फ्रेंच वर्ड है, आई कैन नॉट प्रोनाउंस इट राइट, सही है। और साथ साथ कहते हैं कुछ और, हाँ जी सही, मुझे मिल गया था गाना तो प्ले कर दिया। और एम बरहान कहते हैं कि मेरा दोस्त उजैर आपकी आवाज का दीवाना, चले बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों। कनीज कहते बरहान जी सॉन्ग प्ले कर दें, दिल की लगी है, कहते हैं अरे ये क्या था, क्या था। और राणा कामरान कहते हैं आज रूसा बहन सॉन्ग सुनाएगी। ओके चलें जी, लेट्स सी कि हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर कौन है लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम, हेलो, सलाम
अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप बताइए, आप कैसी हैं? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी ठीक हूँ। हाँ जी, नाम बताइएगा। मुश्क बात कर रही हूँ। मुश्क बात करिए, क्या हाल है मुश्क? आप ठीक हैं? आप जी ठीक है, आप सुनाएं। ठीक है, बस जबरदस्त। हाँ तो क्या कहेंगे मुश्क? टॉपिक पे यही कहूंगी कि तालीम का बहुत शौक था। शौक था। अब फिर छोड़नी पड़ेगी ना। अच्छा, छोड़नी पड़ेगी। क्यों? पढ़ सकती हैं आप, कोशिश करें, आप घर में भी पढ़ सकती हैं। नहीं, अब मम्मा नहीं है ना, घर में काम वगैरह करेंगे। नहीं तो घर में आप टाइम निकाल के घर में पढ़ लीजिए, प्राइवेट भी पढ़ लेते हैं सब लोग जो अब नहीं जा सकते कहीं। आपने कहाँ, कौन सी क्लास में थी आप? मैं फर्स्ट ईयर में थी। फर्स्ट ईयर में थी ना, तो प्राइवेट पढ़ें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई मसला नहीं है, आप घर बैठ के पढ़ें। फिर आपको सिर्फ एग्ज़ाम्स देने जाना होगा, ठीक है? जी पढ़ें आप, अपनी तालीम नहीं छोड़ें, ठीक है? ताकि आपकी अम्मी खुश हों कि मेरी बेटी पढ़ लिख के कुछ बनी है, ठीक है, आपकी सही है ना? और हिम्मत नहीं जी हारनी, ठीक है? ख्याल रखिएगा अपना मुश्क, जी सही बस है? दुआ में याद आपके लिए रखना। बहुत सारी दुआएं, खुश रहिए हमेशा, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे, और आपकी अम्मी जहाँ कहीं भी हैं वो बहुत खुश होंगी आपको देखकर, अगर आप अच्छा पढ़ेंगी और अच्छा अच्छा काम करेंगी, सही है? जी चलें, थैंक यू सो मच मुश्क, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके और चलिए जी, एक मजीद कॉल को शामिल करते हैं, देखते हैं कि कौन है हमारे लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। समीना, हाँ जी, नाम बताइएगा। समीना, समीना पहले बात हुई है आपसे कभी? जी हुई है, ओके ठीक है। हाँ तो समीना क्या कहेंगी मैं कहूंगी कि आप मेरा सतार नहीं बताती हो। आप? कसतार क्या था बताओ ना, वो तो बताएं आप, डेट ऑफ बर्थ। नहीं, मैंने पूछा था पहले, अभी आप बताती नहीं हो। अच्छा बताएं, आप तारीख बताएं, किस दिन पैदा हुई थी? नहीं, स्टार मैंने पूछा हुआ है आपसे पहले भी। पूछा हुआ है तो फिर बताती तो हूँ मैं, कौन सा स्टार है आपका? वर्गो वर्गो। अच्छा चले, मैं भी वर्गो के बारे में बताती हूँ, ठीक है? जी, सही है ना, ये बोल रही हैं आप? अच्छा नहीं, मैं बताती हूँ वर्गो के बारे में, अभी बताऊँगी, सही है? मेरी बहन का नाम रुबीना है, वो भी आपको सुनती है। अरे वाह, हाँ क्या बात है भाई, रुबीना, मेरे ख्याल से आपने बताया था मुझे ये। जी हाँ रुबीना, जबरदस्त हो गया भाई, रुबीना रुबीना, बहुत सारी रुबीना आ गई ना हमारे शो में, जबरदस्त हो गया। जी बस और कुछ कहेंगी? आपका शो बहुत अच्छा है। जी बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला को बहुत खुश रखे। समीना थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज़, आपने अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ओके Ты моя царица, сопной Марьяна, меня зачаровала дикая львица. चलें जी, एक मजीद कॉल को शाम करते हैं, लेट्स सी कौन है हमारे लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम मादर की माधुर नाम से कल फोन करूंगा, मेरे को 1.5 महीना। ओके अच्छा जी, आप कहते हैं कि हैं आप इतनी प्यारी हैं, वैसे आपकी ना आंखें इतनी बड़ी हैं तो आपको दुनिया ज्यादा नजर आती होगी। बड़ी बड़ी दौड़ दौड़ तक। ओके आपने क्या बात की, आप इतनी मेरी है। वैसे हूं तो मैं प्यारी, जो बात है हूं तो मैं प्यारी, और साथ साथ आपकी आंखें बड़ी बड़ी तो ज्यादा नजर आता होगा यार, क्या बात है। चले जी, एक कॉलर को शामिल करते, कॉल ड्रॉप ही हो गई। मैंने कहा करते कल से ना अपना नेट प्रॉब्लम ठीक करें, आपको नहीं हमें परेशानी होती, कल से हमारा नेट प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आज जो है अभी होता, ठीक है? हर रोज हमारा नेट प्रॉब्लम नहीं होता, समझ में आई? आपके होता होगा। नहीं तो अलहमदुल्ला वाला कह रहे थे किसी अमल को एक बार करने से कामयाबी हासिल नहीं होती, बल्कि इस अमल को बार बार करने से जो है वो क्या कह रहे हैं, कहाँ चले गया। चले जी, एक मजीद कॉलर को शामिल करते, लेट्स सी के कौन है हमारे लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया तनवीर साहब, आप कल कॉल कीजिएगा, आज जो है ना सिर्फ लड़कियों की कॉल का दिन है, ठीक है? थैंक यू, अल्लाह हाफिज। यार मना करने के बावजूद कि लड़कियों का दिन है, आज लड़के कॉल ना करें, फिर आप लोग नंबर मिला लेते हैं, अच्छा लगता है, कॉल ड्रॉप कर देती हूँ आपके मुंह पे, अच्छा लगता है। तो चलें जी, देखते हैं कौन है वर्सल लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रुबीना? जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। आप सुनाए, कैसी हैं? मैं खैरियत तो बहुत ही प्यारी हूँ, बस आपको तो पता ही है।
हाँ हाँ बिल्कुल, आप बहुत प्यारी है माशाल्लाह से, अल्लाह पाक आपको काले लोगों की काली नजरों से बचाए। आमीन सो आमीन। हाँ और बताइए क्या चल रहा है भाई? और क्या चल रहा है? आपने टॉपिक ही बहुत बहुत ही अच्छा रखा है, और मैं उस टॉपिक के बारे में सोच रही थी काफी टाइम से, मैंने कहा कॉल लगेगी तो बात करूंगी। जी जी बताइए प्लीज। यार पता है क्या, तालीम तो वाकई बहुत जरूरी है जिंदगी में, हर इंसान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन तालीम के साथ साथ ना इंसानियत, इसकी भी एक बुक होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि लोग पढ़ लिख जाते हैं, बहुत प्रोफेसर बन जाते हैं, ये बन जाते हैं, ऑफिसर बन जाते हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, सब कुछ एक्स वाई जेड बहुत कुछ बंदे के अंदर आ जाता है तालीम से, मगर एक चीज वाहिद जो बहुत इम्पोर्टेंट है तालीम से भी ऊपर जाती है, वो है इंसानियत। सही जब इंसान में वो ही नहीं है तो तालीम का क्या अचार करेंगे आप? सही बात है। तो कहने का मकसद यही है कि तालीम के साथ साथ इंसानियत भी होनी चाहिए, आप समझे सामने वालों को, उसके मुताबिक चलें तो बहुत अच्छा रहता है। इस तरह से जो है बस लोगों को सही। सोचना चाहिए, किसी को परेशान ना करें। तालीम का सही इस्तेमाल करें ना, बिल्कुल सही पता इस्तेमाल चले कि करें आप तो तालीम याफ्ता हैं, डिग्री बिल्कुल याफ्ता ना बिल्कुल लगे पता बस आप, चलना चाहिए, है ना? बिल्कुल पता चलना चाहिए। सही हो और गया। दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक तो नहीं, बस ऐसे डिस्कशन हम कर रहे थे कि भाई क्या फजूल काम करते हैं आप, सबसे ज्यादा लोगों को तंग करना, ये था फजूल काम। हाँ लोगों को तंग करना। ओके हाँ, और परेशान करना, कोई एक बंदा आपको कह रहा है कि यार प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, उसके बावजूद उसको तंग करके रखा हुआ है, उसकी जिंदगी खराब कर दी, एक नंबर ब्लॉक कर दो, दूसरे नंबर से कर, तीसरा ब्लॉक कर दो, चौथे से कर, अरे क्या है भाई ठीक है। इन लोगों के पास आपको? बहुत ज्यादा टाइम होता है ना। हाँ बहुत टाइम है, तो भैया वो उस टाइम को कोई अच्छा स्पेंड कर दो, मतलब टाइम को नमाज पढ़ लो, कुरान पाक पढ़ लो, कुछ अच्छा कर लो, कुछ बुक्स पढ़ लो, ये क्या दूसरों को परेशान कर रहा है? कोई इंसान अपनी लाइफ में बिजी है पर बहुत ज्यादा, जाहिर है घर गृहस्थी है, बच्चे है, ये है वो है, सब कुछ लेके चलना पड़ता है यार। सही बात है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। थोड़ी सी हाइपर हो गई इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इट्स ओके। अच्छा एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, हाँ जी। माशाल्लाह से खुशी बहुत प्यारी है, कल उनसे बात हुई मेरी अरे वाह, और बहुत अच्छा लगा बात करके, बस जबरदस्त हो गया। थोड़ी सी बेवकूफ सी लड़की है, 4-5 नंबरों से मुझे उसने कॉल करी, मैं कहती एक नंबर दे दे यार मगर बहुत प्यारी है, बहुत भोली है वो, मासूम है, भोली है बहुत बहुत ज्यादा, ना? और वीडियो कॉल पे भी बात की हमने, एक दूसरे को देखा भी, अरे वाह सही है भाई, बहुत जबरदस्त। प्यारी है माशाल्लाह से। हाँ बहुत अच्छी है, अल्लाह पाक उसे खुश रखे, उसके नसीब अच्छे करे। आमीन सुम आमीन। हाँ और लगता नहीं है जिस तरह की वो बातें करती है ना, उसको ऐसा देख के लगता है तो लगता नहीं है, काफी मतलब अच्छा जी, उसको देख के नहीं लगता कि ऐसी है हाँ देख के नहीं लगता, और उसको थोड़ी सी ना उसके मतलब कहते ना वो थोड़ा सा उसको चेंज करने के लिए थोड़ी उसके ऊपर मेहनत करो, अच्छा थोड़ा उसको निखारो संवारो, थोड़ा अच्छा ये वो बहुत अलग हो जाएगी वो। सही अच्छा ओके चले ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। अपना ख्याल और रखिएगा भाई। जी जी बिल्कुल, और सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, अगर किसी को मेरी वालेकुम बात बुरी अस्सलाम। लगी हो तो उसके लिए बहुत सॉरी, हाँ माफी बुरी लगे तो चाहती। लगती रहे भाई हाँ सही बात है, लगती है लेकिन लगती फिर भी रहे। यार फिर भी हाँ नहीं भाई, कोई क्यों बुरा इंसानियत का माने कि, भाषण, हाँ इंसानियत देखिए का भाषण देते हैं, हम खुद अगर को कोई इंसान गलत करता बनना, है तो वो अपने, वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तंका, चोर इसीलिए की तो दाढ़ी कहते में हैं कि तंका, अगर हम वो बिल्कुल कहीं पे कोई, किसी ने कोई स्टेटस लगा दिया और कह रहे हो तुमने तो मेरे लिए हाँ लगाया, भाई हमने अगर नाम नहीं लिखा, नाम नहीं लिया तो आपको कैसे पता कि आपके लिए, बिकॉज यू हैव डन सही समथिंग ना। ठीक है यार, ऑफ बस कोर्स राइट राइट। बस और ये पता बात है, है क्या कहते हैं, मैं थोड़ी सी ऐसी हूँ, मतलब मुझे जो हूँ मैं आपके सामने हूँ जैसी हूँ, मुझे ऐसे ही आगे होना से मुझे चाहिए जो बात इंसान बुरी को, लगता है मैं फौरन मुंह पे कहती हूँ कि इंसान को मुझे ऐसे जो ही होना गलत, चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, जी जबरदस्त है। बस अल्लाह पाक सबको खुश रखे और मुझे आमीन। सबके नाम भी चाहिए। ठीक है ओके, अल्लाह चलिए अपना हाफिज, ख्याल रखिएगा, खुश रहिए। थैंक अल्लाह यू। हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके नमान कहते हैं कि माय फेवरेट आरजे फरहान अली, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शादाब कर रहे थे फ्रॉम लिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ फराज कहते हैं कि हाँ बेटा पढ़ो और इतना पढ़ो कि डॉक्टर बन जाओ, उसके बाद 3 इंसान हैं मेरे पास, उनका इलाज आपसे करवाऊंगा मैं। मुन्नी वालेकुम असलम कहते हैं आप भी जी, सॉरी मैं लेट हो गई हूँ, और सलाम टू ऑल लिसनर्स। वालेकुम असलम, लड़की इतनी देर में क्यों आई है, बोले ये बताओ। नमान
सलमान खान कहते हैं आपकी पूरी फैमिली को सलाम और आपको भी चैलेंज। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। तालीम का फायदा ये भी है कि हमें शऊर मिले कि दुनिया को अच्छे इंसानों की जरूरत है। पिछले दिनों पड़ोस में एक 17 की लड़की की शादी हुई, उनके यहाँ एक बेटी की विलादत हुई और लड़के ने इस बात पर तलाक दे दी क्योंकि बेटी पैदा हुई थी। बिल्कुल जी, जहालत है, जहालत ही है। और बहुत शुक्रिया नुमान मेरे भाई, थैंक यू सो मच। वाई आर यू मिसिंग मी। मोहम्मद फैसल जमाल अहमद कहते हैं कि आमना जी तो आज गुस्से में लग रही थी आबी तालीम की वजह से, किसने उनको कुछ कहा होगा इसलिए तो दिल का बोझ हल्का कर रही होंगी आबी। आपसे अभी वैसे भी मुआशरे में जो है ना लड़कियों की तालीम में बहुत जो है वो उंगली उठाते हैं उन पर। हाँ जी ऐसे ही है, हमारे यहाँ यही चल रहा है। मोशकली कहते हैं थैंक यू अभी चले जबरदस्त हो गया मोशकली, इट्स ओके नो प्रॉब्लम। जला खान कहते हैं सिस्टर फरहाना आपको छोटी बच्ची से ऐसे बोलना चाहिए था कि आप हमेशा खुश हैं और खुश रख रही है अपने इर्द गिर्द वालों को। देखिए अपने इर्द गिर्द वालों को खुश रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपके अपने ही होते हैं जो करीबी होते हैं ना, आप उनको खुश रखते हैं। बाकी के लोग आप जितना भी कोशिश कर लेना वो जिंदगी भर भी खुश नहीं रहते। सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? खुशी 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 आ गई। हाँ जी मैं आ गई। आ गई हाँ, तो बताओ ना क्या चल रहा है, कैसी हो? ठीक है, आप सुनाए आप कैसी है? मैं तो जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। अच्छा, वैसे टॉपिक बहुत प्यारा है। बताओ ना क्या कहोगी टॉपिक पर। ना भाभी सिखा देना, उनके साथ साथ इंसानियत का भी होना जरूरी है। सही हो गया बिल्कुल। तो तालीम जब इंसान हासिल करे तो उनके अंदर अकल और शऊर भी आ जाती है, माशरे का इज्जत और जानने लग जाता है। जब तालीम ना हो इंसान के अंदर, वो जो भी काम करे मतलब बुरा तो उनको गुनाह ही नहीं है। दूसरे अपने माँ बाप का इज्जत और कदर भी जानने कर देते हैं, मतलब अपने घर में अच्छे तरीके से वो बिल्कुल बिल्कुल सही। और तुम ये बताओ कौन से फजूल काम करती हो? तुम तो बहुत सारे फजूल काम करती होगी। कुछ भी नहीं, मैं फजूल काम नहीं करती। नहीं करती? अच्छा नहीं। अरे वाह क्या बात है भाई, ये तो जबरदस्त हो गया। हाँ चलो सही हो गया। और बिना बाजी से बात हो गया ना वीडियो में। हाँ तो वो ना बिल्कुल सेम तो आपकी आपकी तरह है वो। मेरी तरह है वो सूरत में? अच्छा सच्ची में? हाँ, देख लेना फिर। अच्छा चलो देखेंगे। चलो रुबीना अपने पिक्चर भेजो मुझे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है वो। अच्छा सही है, अच्छी अखलाक। अच्छा सही है, ठीक हो गया। और बताओ क्या चल रहा है, क्या कहोगी? शो सुन रही हो या नहीं सुन रही हो आज भी? क्या शो सुन रही हो या एम ही कॉल किया तुमने आज? नहीं नहीं मैंने 9:30 से मैंने फोन किया है। सही हो गया, चलो जबरदस्त हो गया। तो और क्या कहोगी? और क्या, काफी दिन हो गए आपने कोई सॉन्ग नहीं सुनाए। सॉन्ग नहीं सुनाया मैंने? सुना रहे हाँ। कौन सा सॉन्ग सुनाऊं? अपनी आवाज में सुनाऊं? कौन सा सॉन्ग सुनाऊं? मैं तो इतने गाने गाती हूँ। क्या पता चले आप कौन सा सॉन्ग हमारे लिए अपने दिल में छुपा कौन सा अपने दिल में छुपा के रखा है? अच्छा बताओ गाना बताओ। नहीं नहीं आप सुना रहे अपनी मर्जी, मैं सुनाऊंगी गाना बताओ ना। मैं क्यों बताऊँ यार, तो तुम ही तो बताओगी। नहीं नहीं फिर कोई फायदा नहीं। लो अपनी पसंद का गाना सुनोगी मेरी जबान से? सुना रही जो भी हो। अच्छा चलो मैं भी सुनाती हूँ ऑन एयर। सही है, फोन पे सुना रहे तेरी कैसी सुना रहे? मैं मुझे याद ही नहीं आ रहा कौन सा गाना सुनाऊँ मैं। चलो सही है, ऑन एयर सुनाती हूँ। ठीक है चलो सही हो गया। चलो अपना ख्याल रखना। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, परेशान नहीं हो। सही है, अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा खुश रखे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अपना ख्याल रखना। ओके अच्छा जी, सो ओके सो गाना जो मुझे नजर आया था ना वो फरहान सईद की आवाज में किसी ने गाना गा था ना मुझे, चले ये वाला गाना हम जो है वो प्ले करते हैं और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम ऑन बैकग्राउंड। सो कॉल्स को शायद मैं एक या दो कॉल्स को शामिल करूंगी, आई डोंट नो कि मैं कितनी कॉल्स को शामिल करूंगी, बट लेट्स सी। ये वाला गाना सुनते हैं बैकग्राउंड पे और साथ ही साथ पर आज कहते हैं कि आंखें तो उसकी ना बड़ी थी लेकिन मैं फिर भी उसको नजर नहीं आता था।
उसको कोई और नजर आता होगा, तो मैं गलत फहमी अक्सर ना लड़कों को गलत फहमी होती है, उनको लगता है कि लड़की को ना वो नजर आता है, ऐसा होता नहीं है, ये उनकी गलत फहमी होती है। अंदर की बात बता रही हूँ। कहेगा अकेले मैं तुझसे मिला तो कहेगा मेरा तो कहेगा। खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है, देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है, देख तेरा क्या। ओके ऐसा जी किंदा शादी पति अस्सलाम वालेकुम, अभी कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, वेरी वेल। मलिक राशिद कहते हैं तालीम के साथ तमीज भी सीखनी चाहिए इंसान को। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। और बदकिस्मत लड़की कहती है कि अभी मैं ना इमरान भाई का शो टाइम पर सुनती थी, पर अब ना आपका शो सुन के तो आदत हुई है, सुबह उठ के ना आपकी हंसी याद आती है। अरे वाह क्या बात है, कौन इमरान भाई हैं, कौन है ये, कौन शौकत है, किसकी बात कर रही हो? साथ साथ अली राजा कहते हैं अभी की डेट अभी क्या बात, मैं स्कूल नहीं आ गई हूँ, जब भी किताब खोली है तो मैं आंखों में आंसू आए हैं आ जाते, लेकिन मैं ना क्या हार नहीं मानती हूँ और पढ़ती रहती हूँ, खुश रहती हूँ। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और साथ साथ कहते हैं कि मैं मानती हूँ कि क्या गर्ल्स को जो है ना ये मैसेज देना है कि पढ़ें और मैं अबू का अपने अबू का फख्र बने, जो बात है भाई, ज़रूर तालीम को हासिल करना चाहिए, ज़रूरी है लड़कियों के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी अनवर जावेद भट्टी साहब को मैसेज आया, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम बेटे जी, आपका क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए कि आप कैसे हैं, आप ठीक हैं, आपकी तबीयत कैसी है? भट्टी साहब बताइएगा, कहते हैं अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज अमान में रखे, आमीन। और रफ्तार रफ्तार इतनी बार सुना है कि वो हमारे लिए एनर्जी का काम करता है, और क्या लिखा था, लाहौर से रफ्तार रफ्तार कहाँ पहुँच गए, इस तरह का कुछ लिखा था। फराज कहते हैं गलती तो आपकी है रुबीरा बहन, और उसको मैं जानता हूँ, बस उधर जाओ एहसान होगा मुझ पर। पता नहीं क्या चल रहा है इन लोगों का। मलिक राशिद कहते हैं शुरू शुरू में सब प्यारे लगते हैं, बाद में ना गलत समझते हैं लोग, इसकी वजह हो सकती है फरी। हाँ हो सकता है, बाद में गलत ही समझते हैं। That is not, I don't think so, this is right. के शुरू में सब अच्छा समझते हैं, बाद में बुरा समझते हैं, ऐसा नहीं होता। दिल दे बंद जड़े हो, I don't think so. से प्यार दे, अक्सर लोगों को गलत फहमी होती है, ये कह रही हूँ। प्यार दे हरदम सजना ते जिंदड़ी वार दे, हरदम सजना ते जिंदड़ी वार दे, ओ वेखी होवी ना तू हर जाए, ओ वेखी होवी ना तू हर जाए, मार दे वेगी दे परवाए, मार दे वेगी दे परवाए, तेरा मेरा साथ पुराना। अच्छा जी मोहसिन अवान कहते हैं नाइस शो, अभी थैंक यू सो मच। पप्पू हैं, पप्पू कहते हैं मोहम्मद महबूब अली है इनका नाम। अच्छा जी महबूब अली बहुत थैंक यू सो मच, और नाम ही महबूब रख लेते भाई क्या हो गया है, आई डी भी क्या नाम रखा है पप्पू। साथ साथ मुनी कहती हैं कि अभी मैं व्हाट्सएप यूज़ करती थी इसलिए ना देर से आई हूँ आज। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आवेदन कहते हैं कल लाइव का तजुर्बा, ये शेर तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती, जो बात है और बहुत अच्छी बात जिसने भी कही ना, ये वाकई में ऐसा ही है। और फराज कहते हैं कि बेटी होने पर डिवोर्स का कहां से आते हैं ऐसे लोग, आई डोंट नो। साथ साथ कामरान शाह कहते हैं कि अभी मैसेज नहीं सेंड हो रहे, अभी पर क्यों भाई मैसेजेस आपके हाथ हो रहे हैं, आप लोगों के क्या हो गया। नमान खान कहते हैं आपकी आवाज़ बहुत नाइस है, आपकी तरह चैलेंज, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू सो मच। और साथ साथ आमना कहती हैं कि गर्ल्स कहाँ हैं, इनको बोलें कि वो कॉल करें, अभी कॉल का टाइम अब बचा नहीं है आमना, वरना मैं ज़रूर कॉल्स को शामिल करती और मैं देखती हूँ अगर एक कॉल में ले पाई तो। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं सिस्टर आपके शो में सबा कमर जो कभी कॉल नहीं करती उनसे बोलें कि कभी आप भी कॉल
कॉल कर लिया करें शो में, जब से ना आपकी शादी बिल्कुल मसरूफ़ी हो गई है आजकल। ओके नहीं कॉल आई थी सब अगर आप नहीं थे उस दिन। साथ साथ बदकिस्मत लड़की कहती हैं कि जिंदगी में रिश्ता हो या नहीं पर रिश्ते में जिंदगी हो। फॉर यू मिस यू जानी है। शर्मीन नाम है ना तुम्हारा, कह रही है आप मेरी फ्रेंड बनो। आई एम योर फ्रेंड। साथ साथ रुबीना कहती है कि नहीं यार बरहाना खुशी खुद बहुत खूबसूरत है, ये तो उसे मैं खूबसूरत ही लगूंगी। अच्छा अभी तुमने मुझसे मिला दे रुबीना को। अभी कहते तुझसे नाराज नहीं जिंदगी सुना दे। ओके यार ये गाना जो है ना अच्छा जी। रुबीना कहते हैं खुशी लड़की खूबसूरत खूबसूरती की बातें ऑन एयर नहीं करते। और साथ साथ नहीं तो क्या हो गया। और साथ साथ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी में गाना, यार मुझसे गाया नहीं जाते वाला गाना, बड़ा मुश्किल है, सीधी सी बात है। मैंने कहती है मेरे पास फरहाना आपके व्हाट्सएप नंबर नहीं है वरना मैं बिग भेज दूँ। व्हाट्सएप नंबर जरूरी है, व्हाट्सएप नंबर इंस्टाग्राम नहीं है क्या? इतने बहाने करोगे रुबीना, बहानेबाज। मलिक साहब कहते हैं कि मैम मेरे कमेंट्स किधर जा रहे हैं? कहीं पता नहीं कहीं तो जा रहे हैं जब भी हमारे पास नहीं आ रहे। मलिक राशिद कहते हैं कभी खुशी कभी रुबीना हम ना जुदा होंगे हम ये सुना दे परी आप। रुबीना कहते हैं बराना बताए खुशी ना बहुत। हाँ जी मैंने पढ़ लिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ फराज कहते हैं आई नो उसे भी कभी नजर आए, अब अपनों को क्या सो लेट गो। ठीक हो गया। कामरान कहते हैं कि वाह क्या आवाज है आपकी सॉन्ग। ओके रवीना कह रही है यार ये बदकिस्मत लड़की ना पता नहीं लड़का है कि लड़की है जो भी है काफी सैड है बेचारी। है लड़की हाँ सैड ही है वो, उसने खुद बताता कि मैं सैड हूँ। अच्छा जी मोहम्मद फैसल कहते हैं कि अभी मेरा बर्थडे अक्टूबर में है, अभी स्टार क्या होगा मेरा अक्टूबर से पता नहीं चलेगा, आप डेट बताइए अक्टूबर की कौन सी डेट है। साहब कहते हैं अरे वही इमरान। अच्छा अच्छा सही है समझ गए। साथ साथ कहते हैं अभी जी मेरे भाई नाराज हो गए कुछ बताए ना आप भी कैसे मनाऊं मैं भाई को। लो भाई नाराज हो गए हैं, बहनें नाराज होती हैं भाइयों से, भाई क्यों नाराज हो गए भाई। बात किसमें लड़की कहती है आपने मेरे कमेंट नहीं देखा, रहे देख तो ये लड़की क्या हो गया अभी तो देखा है। नूरुल्लाह कहती है कि अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। और साथ साथ कहती है कि आपी आज ना आपने दिल खुश कर दिया है, फर्स्ट सॉन्ग लगाया मेरा फेवरेट था। अरे चले भाई जबरदस्त हो गया ये तो, बहुत अच्छी बात है, क्या बात है। ओके और साथ साथ वालेकुम अस्सलाम अली रजा, हम इटली से सुनते हैं, थैंक यू सो मच। ओके और कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, थैंक यू सो मच। आवेद मेरे कहते हैं कि ओके ठीक है, तालीम के बारे में आपने बात की, थैंक यू सो मच। और कॉल्स का टाइम नहीं है, कॉल्स अब हम शामिल नहीं करेंगे, साथ साथ गाना भी एंड हो गया और गाना ज़रा चेंज कर देते हैं राइट। सो वी हैव टू प्ले दिस वन आफ्टर दिस, ठीक है ओके आई गेस दिस इज द राइट वन। ओके साथ साथ आमना कह रही हैं, क्या कह रही हैं आमना, आमना कह रही हैं कि अभी मैं आपसे ना बहुत कुछ सीखती हूँ और हुमैरा आप से भी बहुत कुछ सीखती हूँ, घर बैठे आप ही ज़बरदस्त हो गए। देखिए अगर हम आपको कुछ सिखाने का बायस बन रहे, वैसे तो हम इस काबिल नहीं कि कुछ सिखाएं, मैं अपनी बात कर रही हूँ, हुमैरा तो ऑफकोर्स वो बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी बातें करती हैं, मैं तो ऐसे ही बस बातें करती हूँ, बस बस कोशिश तो यही होती है कि कुछ अच्छी बात जो है आपके कानों तक पहुंचे और अच्छा आपके लिए हो जाए, अगर आप कुछ सीख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मलिक राशिद कहते हैं कि मैं भी किसी को अच्छा लगता था, किसी को अब जहर से भी जहर लगता हूं मैं। ओके ठीक है। मरियम वैमा खान कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम फरहाना कैसी हैं आप। वालेकुम अस्सलाम मैं बिल्कुल ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। रुबैल खान कहती हैं आज कौन सी टीम जीतेगा पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया, आई डोंट नो, और क्योंकि मैच मैं देख रही नहीं हूं तो मुझे क्या पता चलेगा। मरियम वैमा खान कहती हैं कि आज मेरे मामू सऊदीया जा रहे हैं और आप उनको बेस्ट विशेज दे दें। अब्दुल आहा चैलेंज जी, अब्दुल आहा साहब आपको बेस्ट विशेज, आप सऊदीया जा रहे हैं और अच्छे काम के लिए जा रहे हैं भाई, जरूर दुआ में याद रखिएगा। जला खान बहुत शुक्रिया, आपने कह दिया है कि सब लोग हालत नहीं हो, क्या हालत नहीं हो रहा है आप ही, अच्छा तो सब अच्छा है, गलत नहीं हो रहा, अच्छा गलत नहीं हो रहा, इट्स ओके लड़की तुमने जो ना गलत को गलत लिखा है। हाँ कहते हैं शुक्र है आबिद अमीर भाई भूल गए हैं कि कुछ खाने के लिए, बात ऐसी कर रहे ना काम की बात है। अब्दुल अजीज पलीजो वालेकुम अस्सलाम बहुत शुक्रिया। आबिद अमीर कहते हैं कि हम भी खूबसूरत हैं, अच्छा ठीक है, कह रहे हम भी खूबसूरत होते हैं, हमने ना भूले भी भाई के डिम्पल, अच्छा क्यों भाई के डिम्पल ना भूले, कह रहे सीमेंट नहीं भरवाया हमने, खूबसूरती है हमारी, नहीं नहीं भरवा ले हम सीमेंट, ठीक है ओके चलें जी बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फैसल कहते हैं 15 अक्टूबर है आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो आपका स्टार होना चाहिए।
आपका स्टार है लिब्रा। कॉल्स आ रही हैं, कॉल्स हम शामिल करेंगे नहीं, टाइम नहीं बचा है ना, बस क्या करें, बस इजाजत लेने का ये वक्त आ चुका है तकरीबन। मालिक राशिद बहुत शुक्र, थैंक यू सो मच। कहते हैं हर कोई सैड है इस टाइम, रुबीना से ज्यादा सैड कोई नहीं होगा, 100% गारंटी से कह रहा हूँ। देखिए हर इंसान की जिंदगी में परेशानियां ना, और अगर परेशानियों को सर पे सवार करेंगे तो सैड रहेंगे, इतनी सी बात। और साथ साथ अच्छा जी मोहम्मद फैसल कहते हैं अभी आपको सिंगर बनना चाहिए, अभी नाइस वॉइस, आपकी आवाज बहुत अच्छी चल रही जी, बहुत शुक्र, थैंक यू सो मच। सिंगर बनने का शौक नहीं, अगर सिंगर बनना होता तो सिंगर बन जाती, तो सिंगर बनने का शौक था ही नहीं। मेरे कहती है कि उम्रे पर जा रहे हैं सऊदी, हाँ तो वही तो मैंने कहा कि अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो जरा दुआ कीजिएगा। और साथ साथ मुझे कहते हैं कि अदनान समी को सुनवाने पर माँ बदौलत तो खुश हुआ। मैंगो कुड़ी, मांगो कुड़ी क्या मांगती हो, बस मसला तो सारा ये है कि हमसे मांगना नहीं जाता, मांगा तो सिर्फ अल्लाह से जाता है ना, बस और किसी से मांगा ही नहीं जाता, मांगने वाले लोग ही नहीं है, हम मांगते नहीं है, कुछ भी नहीं मांगते, बस यही बात, जो मांगो अल्लाह से मांगो, ठीक है ना। साथ साथ मैं साहब कहते हैं जब से उनकी कहाँ पे टांगने को कहा तब से सभी की ना बातें गलत हो रही है। ओह माय गॉड, चलिए जी भाई इजाजत दे दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे कल 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान, जब तक अपना अपने प्यार को रखिएगा बहुत 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 ज्यादा ख्याल, और अपने चाहने वाले को रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआ मगफरत जरूर कीजिएगा, मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में याद। फरहान आइज माय साइनिंग ऑफ, टाइम पर आइएगा कल 9 बजे, ठीक है ना, याद से नहीं आए तो जुर्माना लगेगा, फिया मानेला।